क्या हाल है दोस्तों, ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि Omen 15 RTX 3060 एंड Ryzen 7 5800H वाला लैपटॉप फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल हो गया है बाय करने के लिए। इस वीडियो में मैं इसी लैपटॉप के बारे में आपको अपनी ओपिनियन दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये लैपटॉप बाय करने के लायक है या नहीं। बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर के कंफ्यूज हैं कि एक्चुअली ये लैपटॉप कैसा है। अगर आप Omen 15 के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं आपको अश्योर करता हूं कि ये वीडियो आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो काफी कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये वीडियो एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद बनाया गया है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसे जज ना करें जब तक आप इस वीडियो को पूरा ना देख, उसके बाद अगर आप अपनी ओपिनियन दोगे तो आपकी ओपिनियन सराफों पर। यहां हम इस लैपटॉप के हर एस्पेक्ट पर बात करेंगे, जैसे कि परफॉर्मेंस, बैटरी, थर्मल्स, ए टू जेड, जितनी भी चीजें आपके दिमाग में आ सकती हैं सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो बिना देर किए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। हाई, दिस इज अरुण एंड यू आर वॉचिंग टेक्निकल ड्रॉप्स। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपको इस चैनल पे लैपटॉप से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो अभी लाइक कर दीजिए और जो नए वाले व्यूअर्स हैं वो बाद में आराम से देख के लाइक कर सकते हैं। इसके डिजाइन में लास्ट ईयर से कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करे गए हैं, थोड़े बहुत करे गए हैं वो मैं आपको बता दूंगा। लिड पर सेम लोगो है जो लास्ट ईयर था। टॉप लिड प्लास्टिक की बनी हुई है, डेक एरिया मेटल का बना हुआ है जो कि काफी प्रीमियम लगता है, और कीबोर्ड जो है वो 10 की लेस डिजाइन के साथ आता है। लार्ज की कैप्स हैं इसके कीबोर्ड में, सो टाइपिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा हुआ। इस वाले लैपटॉप में आपको RGB कीबोर्ड मिल जाता है, जो लोअर मॉडल्स हैं उनमें आपको व्हाइट कलर का बैकलिट कीबोर्ड मिलेगा। लास्ट ईयर नोटिस किया गया था कि इस लैपटॉप की लिड को क्लोज करने के बाद काफी फ्लेक्स फील होता है, तो अब यहाँ पर HP ने दो बम्प ऐड किए हैं इसके डेक एरिया पे, जिस पे जो लिड है वो आकर के रेस्ट कर जाती है, और इससे थोड़ा सा फ्लेक्स को कम करने की कोशिश करी गई है। ये थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो सकता है लिड के फ्लेक्स को कम करने के लिए, बट यहाँ पर विजिबल गैप अब भी है। हाँ, पहले से थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता ही है। इस लैपटॉप में इसके प्राइस के अकॉर्डिंग जो डिस्प्ले लगाई गई है वो एक अच्छी डिस्प्ले है। इस लैपटॉप में आपको मिल जाती है 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी ग्लेयर 144Hz रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले। वहीं कलर गैमेट की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको मिलता है 72% NTSC, और इसकी जो sRGB परसेंटेज है वो वेरी करेगी 90 से लेकर के 98% के बीच में, क्योंकि कंफर्म पता चल नहीं पाता है। और यहाँ पर जो इसकी ब्राइटनेस है वो है 317 निट्स की। मेरे अकॉर्डिंग डिस्प्ले काफी सही है। डिस्प्ले के रेस्पॉन्स टाइम की बात करी जाए तो वो भी आपको देखने को मिलेगा 8 से 12 मिलीसेकंड के आसपास। डिस्प्ले का जो ओवरऑल पैनल है वो काफी अच्छा है, मैं इसे बोलूंगा ऑलराउंडर लैपटॉप, क्योंकि हर तरह का बंदा इसे यूज कर सकता है, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर हो या फिर कोई गेमर हो या फिर उसको स्ट्रीमिंग करनी हो या फिर कोई भी ऐसा कलर सेंसिटिव वर्क करना हो अपने लैपटॉप पे, तो वो आराम से इस लैपटॉप को यूज कर सकता है। प्रोसेसर की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको मिलता है Ryzen 7 5800 प्रोसेसर, जो कि बहुत एक ताकतवर प्रोसेसर है। AMD का 5000 सीरीज का एक प्रोसेसर है। इसके अंदर आपको मिलते हैं 8 कोर एंड 16 थ्रेड, जो कि इस लैपटॉप को काफी पावरफुल बना देते हैं। इसकी जो बेस क्लॉक स्पीड है वो है 3.2 GHz और इसे बूस्ट किया जा सकता है 4.4 GHz तक। ये प्रोसेसर 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बना है। इसकी TDP है 45 वाट, इसे कॉन्फिगर भी किया जा सकता है 35 वाट से लेकर के 55 वाट के बीच में। इस प्रोसेसर को अंडरवोल्ट और ओवरक्लॉक दोनों ही किया जा सकता है। इस लैपटॉप के प्रोसेसर की जब स्ट्रेस टेस्ट करी गई तो इसके प्रोसेसर ने 24,730 पॉइंट्स का स्कोर जनरेट करा, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। ग्राफिक्स कार्ड की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको मिलता है RTX 3060 ग्राफिक कार्ड, जो कि एक लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड है NVIDIA की तरफ से, और इसके अंदर जो TGP है, मतलब इस ग्राफिक कार्ड की जो TGP है वो है 100 वॉट की। इसके RTX 3060 में आपको डायनेमिक बूस्ट नहीं देखने को मिलता है, बल्कि बाकी सारे लैपटॉप में देखने को मिलता है, बट उनसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर जो ग्राफिक कार्ड है वो 100 वॉट का है और बाकी सारे लैपटॉप में लगा हुआ होता है 85 से लेकर के 90 वॉट का जो ग्राफिक कार्ड है, और उसके साथ में जो डायनेमिक बूस्ट मिलता है वो 5 या 10 वॉट का मिलता है, बट इसमें डायनेमिक बूस्ट नहीं है, फिर भी 100 वॉट का ग्राफिक कार्ड लगा है। सो इसलिए इस लैपटॉप को बाकी लैपटॉप्स के कंपैरिजन में थोड़ा बेटर बोला जाएगा, जिन लैपटॉप्स में भी 85, 90 या 95 वॉट का GPU लगा है। अगर आप बाय करने में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में इस लैपटॉप का लिंक अवेलेबल है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों रैम एंड स्टोरेज की। इस लैपटॉप के अंदर आपको पहले से 16GB की रैम मिलती है, जो कि एक डुअल चैनल रैम है, क्योंकि इसके अंदर 8 GB की टू स्टिक लगी हुई है जिन्हें आप अपग्रेड कर सकते हो 32GB तक। इस रैम की जो फ्रिक्वेंसी है वो है 3200 MHz। इसके अंदर आपको 2M.2 NVMe वाले स्लॉट भी मिलते हैं, जिसके अंदर पहले से एक SSD लगी हुई है 1TB की। इसके अंदर आपको कोई भी हार्ड डिस्क का स्लॉट नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें बड़ी बैटरी यूज की गई है। मैं जानता हूं आप इस चीज के लिए वेट कर रहे होंगे। अब बात करते हैं इस लैपटॉप की थर्मल टेस्टिंग की। देखिए, मैं आपको जो भी बेंचमार्क्स का डेटा दिखा रहा हूं वो पूरी तरह से अनबायस्ड, रिलायबल और बहुत ट्रस्टेड सोर्सेज से कलेक्ट किया गया है,
तो आप इस डेटा को पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं, रिलाय कर सकते हैं आप इस डेटा। बेंचमार्क्स का कुछ डेटा देख लीजिए, वो आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं मैं। देखिए लैपटॉप अभी अभी लॉन्च हुआ है, बहुत टाइम से नहीं था मार्केट के अंदर, अभी लॉन्च हुआ है तो बहुत ज्यादा डेटा इसके बेंचमार्क से रिलेटेड हमारे पास नहीं है, बट जितनी भी टेस्टिंग है वो सारी अच्छी टेस्टिंग है और क्योंकि पहले से ये लैपटॉप चल रहा है, बट इसके अंदर ग्राफिक कार्ड अपग्रेड किया गया है, CPU अपग्रेड किया गया है, हम इसे पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं, आप इसे पूरी तरह से मान सकते हो उस डेटा को, क्यों? क्योंकि पहले से लैपटॉप मार्केट में चल रहा है। इस लैपटॉप पर टेस्ट किया गया बैटलफील्ड 5 ऑनलाइन गेम, जो कि 21 डिग्री सेल्सियस के रूम टेम्परेचर पर टेस्ट किया गया था, तो उसका डेटा मैं आपको दिखाता हूं। ये बात आप याद रखिए कि इसका जो GPU है वो 100 वॉट की TGP के साथ आता है। GPU का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस था जब 97% GPU यूज हो रहा था, उसकी फ्रीक्वेंसी उस वक्त थी 1800 MHz और 98.5 वॉट पावर कंजम्पशन था। CPU की बात करी जाए तो 94 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर गया, 35% यूज हो रहा था उस वक्त CPU, 3900 MHz इसकी क्लॉक स्पीड रही और 35.7 वॉट उस वक्त ये कंज्यूम कर रहा। गेम के जो FPS निकल रहे थे वो निकल रहे थे 149 के आसपास। एक चीज मुझे नोटिस हुई इस लैपटॉप में, जब इस लैपटॉप का जो GPU है वो 100 वॉट कंज्यूम कर रहा था तो उस वक्त इसका CPU 35 वॉट से ऊपर नहीं जा रहा था, तो ये एक लिमिटेशन हो सकती है, हो सकता है इस लैपटॉप को इनफ पावर ना मिल रही हो। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि ये लैपटॉप का जो थर्मल सिस्टम है वो इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है, जिसकी वजह से इसका जो CPU है वो इतनी ऊपर जा करके काम नहीं कर पा रहा है। अभी डेटा देख के तो साफ फील हो रहा है कि ये जो दिक्कत हो रही है ये हो रही है थर्मल्स की वजह से, थर्मल्स की वजह से लिमिट हो रहा है CPU, बट ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि इस लैपटॉप में जो फ्रेम्स है वो कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, थोड़ा बहुत तो देखिए फर्क रहता है बट ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट ईयर इस लैपटॉप के थर्मल्स बहुत अच्छे थे, ऐसा नहीं है इस बार बेकार कर दिया है HP ने, थर्मल्स वही हैं बट इसमें जो CPU है जो GPU है वो अपग्रेड हो गया है। आपको पता होगा कि CPU भी बिल्कुल लेटेस्ट सीरीज का है और जो GPU है वो भी बिल्कुल लेटेस्ट सीरीज का है, क्योंकि हाल फिलहाल में NVIDIA और AMD की तरफ से लॉन्च करे गए हैं, तो नई टेक्नोलॉजी आई है बिल्कुल, लेकिन उस हिसाब से इसका जो थर्मल सिस्टम है वो अपग्रेड नहीं करा गया। कंपनी को इस लैपटॉप का थर्मल सिस्टम अपग्रेड करना चाहिए था, जो कि कंपनी ने नहीं करा। इस लैपटॉप के अंदर कोई मक स्विच नहीं है। बाकी लैपटॉप्स के कंपैरिजन में इस लैपटॉप के फैन थोड़ा ज्यादा नॉइस प्रोड्यूस करते हैं, 62 dB तक इसका जो नॉइस है वो चला जाता है, तो कुछ लोगों को इससे दिक्कत हो सकती है। आप अगर इस लैपटॉप को बाय कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हेडफोन का यूज़ ज़रूर करें जब भी आप गेम खेलें इस लैपटॉप पे, जब भी इस लैपटॉप को हैवीली यूज़ करें। बॉटम साइड पे तो आपको पता ही है कि इस लैपटॉप में काफ़ी बड़े आपको वेंट्स देखने को मिलते हैं, मैश यूज़ की गई है जिससे कि प्रॉपरली ये लैपटॉप जो है वो ब्रीथ कर सके, इसके अंदर हवा जा सके। कनेक्टिविटी के लिए जो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स इस लैपटॉप में यूज़ की गई हैं उनका डेटा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा, इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। और इसके अंदर जो वाईफाई यूज़ किया गया है वो है वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.0। इसके अंदर आपको 70 वॉट आवर की बैटरी मिलती है जो आपको 5-6 घंटे का बैटरी बैकअप आराम से प्रोवाइड कर सकती है अगर आप डेडिकेटेड GPU को डिसेबल रखते हो या बहुत कम यूज़ करते हो। करीब 6 घंटे तक जब इस लैपटॉप पे गेमिंग करी गई तो इसकी जो बैटरी है वो 100% से रिड्यूस होके 51 या 52% के आसपास आकर के स्टेबल हो गई, तो ये साइन है बैटरी ड्रेन का। हो सकता है कि HP ने ये जो फीचर डाला है ये बैटरी को बचाने के लिए डाला हो, ताकि अगर आप गेमिंग में लंबे सेशंस ले रहे हैं तो बैटरी जो है थोड़ी सी सेफ रहे, बैटरी यूज भी होती रहे और चार्ज भी होती रहे, क्योंकि कंटिन्यूसली अगर बैटरी चार्ज होती रहेगी तो बैटरी खराब हो जाएगी। एसर स्टफ लैपटॉप में भी ये चीज आपको देखने को मिलती है, पहले तो ये चीज कंफर्म नहीं थी कि ये किस वजह से हो रहा है, बट हाँ अब अंदाजा लग रहा है कि ये जो है बैटरी बचाने के लिए किया जाता है, बैटरी जो है बैटरी की लाइफ को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस लैपटॉप के अंदर आपको डायनेमिक बैटरी प्रोटेक्शन या फिर कह लो अडेप्टिव बैटरी ऑप्टिमाइजर जो है देखने को मिलता है, जिसे आप बायोस में जा करके ऑन ऑफ भी कर सकते हो, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। ऐसा करने पर अगर आप इसे ऑफ कर दोगे तो यहाँ पर जो बैटरी है वो बिल्कुल भी ड्रेन नहीं होगी, और इसे आप ऑन करके रखोगे तो यहाँ पर बैटरी जो है ड्रेन भी हो सकती है ड्यूरिंग गेमिंग, जब आपको बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है। अब आ जाते हैं दोस्तों फाइनल कंक्लूजन पर। इस वीडियो में मैंने हर वो चीज़ डालने की कोशिश करी है जो भी आपके डिसीजन को अफेक्ट कर सकती है, तो सारी इंपॉर्टेंट बातें तो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड करी हैं। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं इस वीडियो को कंक्लूड कर रहा हूँ, मैं आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेज बता करके इस वीडियो को खत्म करूंगा, लास्ट में आपको बता दूंगा कि आपको बाय करना है या नहीं करना है। एडवांटेजेस की बात करें तो इसके अंदर आपको ठीक थर्मल्स देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है बट एक्सेप्टेबल हैं इस प्राइस के अकॉर्डिंग, क्योंकि कोई सीरियस दिक्कत नहीं देखने को मिली। डिस्प्ले की बात करें तो एक कलर एक्यूरेट डिस्प्ले है जिसका कलर गैमेट काफी अच्छा है और ये लैपटॉप एकदम प्रोफेशनल लगता है, तो आप इसे चाहे गेमिंग में या फिर किसी भी प्रोफेशनल काम में यूज कर सकते हो। डिजाइन मिनिमल होने की वजह से तो कोई शोबाजी या हवाबाजी नहीं है। बॉटम में आपको लार्ज वेंट्स देखने को मिलते हैं जिनसे कि हवा आराम से जाती है इस लैपटॉप के अंदर, प्लस इस लैपटॉप के कीबोर्ड में आपको बड़े की कैप्स देखने को मिलते हैं तो टाइपिंग में दिक्कत नहीं आएगी। ये तो रही इस लैपटॉप के एडवांटेजेस, अब जानते हैं डिसएडवांटेजेस। किसी भी और लैपटॉप के कंपैरिजन में आपको इसमें 10-20% तक नॉइसी फैन देखने को मिलते हैं। नॉइसी फैन जो है तभी देखने को आपको मिलेंगे जब आप इस लैपटॉप को हैवीली यूज
यूज़ करोगे, मीडियम या फिर लो यूजेस पे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि फैन बस सनसनाएंगे, कोई तेज आवाज नहीं करेंगे। लिड में आपको थोड़ा फ्लेक्स भी देखने को मिलता है, हालांकि इसे रोकने के लिए बंप लगाए गए हैं डेक पे, बट वो उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, थोड़ा तो फ्लेक्स देखने को मिलता ही है। अभी भी विजिबल गैप है लिड के और डेक एरिया के बीच में। इसका जो सीपीयू है, जब वो फुल लोड पर काम कर रहा होगा, आप मान के चलो 45 वाट पर जब पूरी तरह से वो काम कर रहा होगा इसका सीपीयू, तो इसका जो जीपीयू है वो 80 वाट तक जाएगा। ऐसा हो सकता है कि इसके जो थर्मल्स हैं उसकी वजह से इसको लिमिट किया गया हो, वरना बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट जनरेट हो जाएगी और लैपटॉप उसे टैकल नहीं कर पाएगा। तो ये थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन तो किया ही जाता है, कभी सीपीयू की पावर जीपीयू को ट्रांसफर, कभी जीपीयू की पावर सीपीयू को ट्रांसफर। मेरी तरफ से एक सजेशन रहेगी इसके अंदर, क्योंकि जीपीयू और सीपीयू इस साल अपग्रेड किए गए हैं, दोनों ही लेटेस्ट हैं, पावर भी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो इस हिसाब से इसके थर्मल्स को इम्प्रूव करना चाहिए था। प्लस इसके अंदर जो चार्जर है वो भी थोड़ी सी हायर वोल्टेज वाला देना चाहिए था, जिससे कि बैटरी ड्रेनिंग का इशू वो ना देखने को मिले ड्यूरिंग गेमिंग, और लैपटॉप को जो है ना थोड़ा सा ओवरक्लॉक भी किया जा सके। फाइनल डिसीजन जान लो, ये लैपटॉप अगर आप बाय करने का सोच रहे हो तो बिंदास बाय कर सकते हो, 130,000 के अंदर ये एक बेस्ट डील है। हालांकि इसका प्राइस फ्लक्चुएट करता रहेगा, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, तब भी ये लैपटॉप बेस्ट वैल्यू फॉर मनी रहेगा। कि मैं आपको टाइम टू टाइम बताता ही रहता हूँ कि कौन सा लैपटॉप किस प्राइस ब्रैकेट के अकॉर्डिंग अच्छा है, तो वो आप मेरे को फॉलो करते रह सकते हो। इस लैपटॉप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के जरूर चेकआउट करें। वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। कोई सजेशन देना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में जरूर सजेशन अपनी मुझे दीजिए। आगे जैसे ही लैपटॉप मुझे फिजिकल रिव्यूज़ के लिए प्रोवाइड मिलेंगे मतलब, तो मैं ज़रूर रिव्यू करूँगा फिजिकल रिव्यू के साथ। अभी तो मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं है कि मैं फिजिकल रिव्यू ला पाऊँ, हालांकि जो थोड़े बहुत लैपटॉप मिलते हैं वो मैं फिजिकल रिव्यू के लिए लाता हूँ, लेकिन मैं अपने वीडियोज़ बनाने के लिए काफ़ी रिसर्च करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा अपना हार्डवर्क डालता हूँ उसके अंदर, और उसके बाद डेटा आपको ला करके देता हूँ, ताकि आप अपना एक सही डिसीजन ले सको। कोई भी सजेशन देना चाहते हो, कंटेंट में कोई इंप्रूवमेंट चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा आपके ओपिनियन जान के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।